नमस्कार, आप देख रहे हैं 24hrtoday न्यूज। मैं हूं विपिन यादव। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। क्या ऐसे ही प्राकृतिक सुंदरता नष्ट होती रहेगी? देश में आए दिन हम सुनते रहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे उत्तराखंड, मुंबई, हैदराबाद और देश के कई जगहों में प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिससे कई लोगों की जान जाती है और देश को बहुत क्षति पहुंचती है। एक प्राइवेट कंपनी गौसिक प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नामक यह कंपनी, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के वखरुल गांव में अपना हक जता रही है और वन विभाग की जमीन पे वह रोड बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से आवेदन दिया है। देश भर की कई जगहों से जंगल भूमि, जहां गरीब अपना घर बसाए होते हैं, उसे नष्ट करके अपने फायदे के लिए सरकार या प्राइवेट कंपनियां द्वारा उसे अधिग्रहण करने के कई मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से सामने आया है, जहां गौसिक प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरकार को आवेदन दिया गया है कि वह रायगढ़ जिले के वकरुल गांव की जंगल भूमि पर कुछ परियोजना करना चाहते हैं। इस इलाके में पिछले कई सालों से आदिवासी रह रहे हैं, इसके बावजूद कंपनी रोड बनाने के लिए सरकार से जंगल भूमि मांग रही है, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने उन्हें गैर अन आपत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया है, लेकिन कलेक्टर कार्यालय को दिए गए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। पिछले कई सालों से यहां आदिवासी रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में भी कहा था कि जल, जंगल और जमीन, जो कि आदिवासियों का हक है, यह इनसे कोई नहीं छीन सकता। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का उल्लंघन होगा अगर सरकार इस प्राइवेट कंपनी को वन विभाग की जमीन पर रोड बनाने की अनुमति देती है। इस प्राइवेट कंपनी ने गवर्नमेंट को औचित किया है कि इससे रोजगार उत्पन्न होगा और 10 स्थायी कर्मचारी और लगभग 150 अस्थायी कर्मचारी रखे जाएंगे। क्या गवर्नमेंट केवल 10 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी को जल, जंगल और जमीन को बर्बाद करने देंगी? क्या देश के आदिवासियों को ऐसे ही विकास के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया जाएगा? इस मामले में साफ पता चलता है कि यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का उल्लंघन है, और इसके अलावा आदिवासी तो बेघर होंगे ही, लेकिन इससे जैव विविधता भी प्रभावित होगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 24hrtoday न्यूज़।